सेफेस्ट जिम इन टाउन ब्रिंग्स टू यू फिटनेस की होम डिलीवरी। अब घर बैठे बुलाएं आपकी सर्टिफाइड फिटनेस एक्सपर्ट जो बस आपसे कुछ क्लिक्स ही दूर हैं। डाउनलोड करें एंटी मैटर फिट ऐप, चूज योर सर्विस, चूज योर टाइम एंड चूज योर लोकेशन। सेशन स्टार्ट एट जस्ट ₹99। ये पांचशील नगर है, वार्ड 76 है, ये बी ब्लॉक है। यहाँ पे भारी वाहन निकलते हैं, मंदिर है पास में, रोड सकरा है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ब्रेकर नहीं बना हुआ है, जिसकी वजह से रोज रोज बड़े बड़े हादसे होते हैं। कई हादसे हो चुके हैं, प्रशासन को बहुत बार चेताया गया है, फिर भी प्रशासन ने अभी तक कोई कार्रवाई नहीं करी है। 5 साल से यहाँ पे ना नालियों का निर्माण हो रहा है, गंदगी रहती है, आवारा पशु रहते हैं, भारी वाहन निकलते हैं, कुछ सुनवाई नहीं होती है, कोई कार्य नहीं करता है। यहाँ पे सिर्फ वोट लेने के टाइम आ जाते हैं वोट लेने, और कोई कार्रवाई नहीं करती। आपसे निवेदन है एडीएस से कि कृपया करके इस पर ध्यान दीजिए। कितने हादसे हो चुके हैं यहाँ पे? यहाँ पे करीबन 5-7 हादसे पहले हो चुके हैं, और आगे भी होने की संभावना है, क्योंकि अगर ऐसे ब्रोकर नहीं बने तो आगे भी हादसे होंगे, उसका जिम्मेदारी कौन लेगा? कितने वाहन निकलते हैं यहाँ से भारी रोज? यहाँ से रोज भारी वाहन निकलते हैं, बहुत स्पीड में निकलते हैं। ये देखिए आपके सामने गया, फुल स्पीड में गया, कितनी स्पीड में गया आपके सामने देखें। यहाँ पे बच्चे निकलते हैं, एकदम ट्रैक्टर आया, ऐसे ही बड़े बड़े डंपर भी निकलते हैं, मगर इन पर कोई रोक नहीं है, प्रशासन कुछ नहीं करता है। अब क्या करोगे आप आगे? अब आगे चल के देखिए, नहीं तो हमको धरना प्रदर्शन करना पड़ेगा। कोरोना काल की वजह से हम कर नहीं पा रहे धरना प्रदर्शन, लोगों को इकट्ठा करके धरना प्रदर्शन करना होगा। आपका नाम? किशन चेलानी, पंचशील नगर, बंटी भाई, अजमेर। सर, मैं यहीं का क्षेत्रीय निवासी हूँ। समस्या ये है कि अजमेर विकास प्राधिकरण को इस विषय में कई बार अवगत करा दिया गया है कि अजमेर का ये जो वार्ड है पूरा एडीए द्वारा निर्मित है, लेकिन इसके अंदर ब्रेकर की समस्या है। इसके लिए लगभग 5-6 सालों से बार बार पत्र लिखे जा रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई कार्यवाही नहीं। पूरे वार्डवासी एडीए से मांग करते हैं कि जल्द से जल्द स्पीड ब्रेकर बनाया जाए, महत्वपूर्ण रूप से वहाँ बनाया जाए, जाके भी गलियों का एंड हो रहा है और वो मुख्य रोड से मिल रही है। अगर वहाँ पर ब्रेकर बनते तो कहीं ना कहीं आम जन को कहीं ना कहीं राहत मिलेगी, और जो हादसे लगातार हो रहे हैं उनमें कमी आएगी। 2-4 हादसे भी हो चुके हैं इससे पहले, 2-4 हादसे हो चुके हैं, और एक्सीडेंट छोटी मोटी घटनाएं तो बहुत बार हो चुकी है। और सबसे बड़ी समस्या ये कि यहाँ से एक्सीडेंट होते ही क्षेत्रपाल ले जाते हैं, और क्षेत्रपाल वाले कहते हैं कि यहाँ डिस्पेंसरी ले जाओ, डिस्पेंसरी दिन में बंद रहती है। तो यहाँ का जो आम आदमी है वो पूर्ण रूप से परेशान हो रखा है। आपका नाम? रचित कछावा। क्षेत्र का है, और यहाँ भारी वाहनों के आवागमन का रेशो काफ़ी बढ़ चुका है। हर मिनट में कोई ना कोई भारी वाहन यहाँ से गुजरता है, और यहाँ की पॉपुलेशन भी काफ़ी अत्यधिक हो गई है। अब ये एरिया जो है, बच्चों का भी, स्कूल के बच्चों की बसें भी आती है, बच्चे भी यहाँ घूमते हैं, और भारी वाहनों के लिए रोक के लिए स्पीड ब्रेकर होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि भारी वाहन बड़ी तेज़ी से निकलते हैं और बच्चे का ध्यान नहीं रखते हैं, है ना। तो इस वजह से स्पीड ब्रेकर बनाना हर जगह, जो पास में मंदिर भी है, पास में मंदिर भी है, साइड में पानी के लिए भरने के लिए ये भी खड़े रहते हैं, तो रोड बड़ा सकड़ा हो जाता है। ये पर्टिकुलरली इस एरिया की बता रहा हूँ मैं, मंदिर के पास का, यहाँ स्पीड ब्रेकर बनना बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा और भी कई जगह स्पॉटेड है, वहाँ भी बहुत आवश्यक है ये बनना स्पीड ब्रेकर। मेरा नाम डीपी सिंह है, हाउसिंग बोर्ड निवासी है पंचायत। मैं यहाँ 20-25 साल से रहता हूँ। जब से मैं यहाँ आया हूँ यहाँ कोई सुविधा नहीं है एडीए द्वारा, प्लस प्लॉट दे दिए 25 साल पहले, वहाँ अभी तक नालियाँ नहीं बननी है, आवारा पशु घूमते हैं, यहाँ मेन हाईवे रोड है, डंपर निकलते हैं, प्रशासन सोया हुआ, प्रशासन को चाहिए कि कुछ काम करवावे और ब्रेकर बनवावे, क्योंकि 2-3 मौतें हो चुकी है और हर 1-2 दिन में एक्सीडेंट होते रहते हैं बड़े बड़े, क्योंकि हाईवे रोड है, डंपर घूम निकलते हैं, प्लस आवारा जानवरों का भी जमावड़ा है, और कोई काम कर ही नहीं रहा, सब सो रहे। पास में मंदिर है, किस तरह का हादसा हो सकता हो रहा है यहाँ पे? यहाँ कभी भी हादसा आए दिन होता रहता है, तो प्रशासन को चाहिए जल्दी से जल्दी एडीए को कि यहाँ डिवाइडर बनावे और आवारा पशुओं को गिरफ्तार करे, क्योंकि उनसे भी हादसे हो रहे हैं। आपका नाम? शंकर राम।